एपिसोड 502, तारा और सुमेर की बहस। ध्रुव ने अनन्या को चिढ़ाने के लिए कह दिया था कि वो तारा के साथ जाए और अनन्या गुस्से में वहां से चली गई। अनन्या के जाने के बाद ध्रुव बाहर आया और शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए बोला, अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसके दिमाग में कोई बहुत ही शानदार प्लानिंग चल रही थी। दूसरी तरफ अनन्या गुस्से में कमरे में आई और तारा को बोली, जल्दी करो तारा, समझ में नहीं आता, अच्छी भली तो तैयार हो, अब तुम्हें कितना टाइम लग रहा है। तारा हैरानी से बोली, अरे क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं तो बस मेरे बाल ठीक कर रही थी, चल रहे है ना, सब ठीक तो है। अनन्या उसी तरह चिढ़ते हुए बोली, नहीं कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें भी मैं बुरी लग रही होंगी और देखो तुमको भी मेरी बातें बुरी लग रही है। वाह कमाल की बात है ना, ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों को मेरी बातें सुनना ही पसंद नहीं है, तुम लोग चाहते हो कि मैं चुप रहूं, ठीक है फिर मैं किसी से बात ही नहीं करूंगी। वैसे तुम मुझे बता दो कि तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहती हो या नहीं, अगर नहीं भी ले जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी से बात करने का या किसी के साथ टाइम स्पेंड करने का। तारा कुछ सेकंड तक तो हैरानी से अनन्या का मुंह देखती रही, फिर बोली, मैंने टाइम स्पेंड करने की तो बात ही नहीं की, क्या हो गया तुम्हें, कहां से कहां बात को ले जा रही हो। अनन्या फिर से बोली, सही कहा तुमने, मैं कहां से कहां बात को ले जा रही हूँ, ठीक है ये टेंशन और बंजारन शैतान इन्हीं से जुड़ी बातों को ही करना चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ भी बोलूं तो वो इग्नोर करने जैसा ही होता है, ना तो मुझे किसी से बात करनी है, ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है और ना ही कुछ और, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रही हूं, आना हो तो आ जाना। इतना कहकर अनन्या पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तारा बस मुंह खोले हैरानी से उसे जाता देखती रही और फिर बोली, क्या हो गया इसे, ये कैसी बात कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले तो सही थी, अचानक क्या हो गया, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं। तभी ध्रुव कमरे में आया और हैरान सी खड़ी तारा को देखकर जोर जोर से हंसने लगा। तारा ध्रुव के बिहेवियर से भी हैरान हो गई। तारा ध्रुव के नजदीक आई और बोली, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या, एक बेमतलब चिल्ला कर गई है, क्या बोल कर गई है समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा बेमतलब हंसे जा रहा है, मतलब क्या मेरी शक्ल पर क्या लिखा हुआ है, तुम हंस क्यों रहे हो। ध्रुव बोला, आई एम सॉरी, मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ, दरअसल तुम अनन्या की वजह से जिस तरीके से हैरान हो ना, मैं उस पर हंस रहा हूँ, और अनन्या तुम पर गुस्सा होकर नहीं गई है, वो मुझसे गुस्सा है और उस गुस्से को उसने तुम पर निकाला है, क्योंकि मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। तारा बोली, अच्छा वही मैं सोचू अचानक उसे क्या हो गया, वैसे क्या कह रही थी वो जो तुमने नहीं सुना, जिसकी वजह से इतने गुस्से में है वो। ध्रुव ने कहा, वो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी वो सुनो जो मैं कहने आया हूँ, तुम अनन्या को अपने साथ ले जाओ और शाम से पहले मत आना। तारा हैरानी से बोली, शाम से पहले, लेकिन तब तक मैं वहां क्या करूंगी। ध्रुव ने कहा, ऑलरेडी इतना टाइम हो ही गया है, शाम होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें आने जाने में भी तो कुछ टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से प्लान कर लेना, मैं अनन्या के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, तो इसमें तुम लोगों की थोड़ी सी हेल्प लगेगी। तारा हंसती हुई बोली, वाह रोमांटिक, ठीक है मैं शाम से पहले उसे लेकर नहीं आऊंगी। इतना कहकर तारा चली गई और ध्रुव मुस्कुराकर बोला, अनन्या मैडम तैयार हो जाओ ध्रुव का वो पार्ट देखने के लिए जो आज तक आपने नहीं देखा है। तारा और अनन्या के जाने के बाद ध्रुव ने विकी को सारी बातें बताई। कुछ देर तक तो विकी ने ध्रुव को टीज किया और मजाक बनाया और फिर बोला, तो तूने सोचा है ये सब कुछ प्लान कहाँ करेगा। ध्रुव ने कहा, मैंने सब प्लान कर लिया है, मैं अनन्या के लिए छत पर एक स्वीट सा कैंडल लाइट डिनर प्लान करूंगा। विकी हंसता हुआ बोला, कैंडल लाइट डिनर नहीं, उसे लालटेन लाइट डिनर कहते हैं, वैसे यहाँ कभी भी बिजली चली जाती है तो लालटेन में ही तुझे खाना पड़ेगा, वैसे कैंडल लाइट डिनर तो प्लान कर सकता है लेकिन घर के अंदर, छत पर हवाएं चलेंगी तो मोमबत्तियां बुझ जाएंगी। ध्रुव ने कहा, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो क्या करूं, हद है यार, कुछ रोमांटिक करने का प्लान करो लेकिन कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती है, अब क्या करूं। विकी ने ध्रुव की पीठ पर जोर से मुक्का मारते हुए कहा, क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, मेरे पास हर मर्ज की दवा है, बस तू देखता जा। उसके बाद विकी ने जुल्मी को कॉल किया और उसे तुरंत ही घर बुला लिया। ध्रुव ने पूछा, मर्ज की दवा तो तेरे पास थी तो जुल्मी को क्यों बुला रहा है, दवा लेकर बुला रहा है क्या। विकी बोला, ऐसा ही समझ ले, वैसे बहुत बुरी आदत है तेरी, आम खाने से मतलब नहीं रखता, तुझे पेड़ भी गिनना होता है, अब बस देखता जा और तुझे क्या क्या चाहिए अपने सरप्राइज प्लानिंग में वो बता बस। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। ध्रुव ने कहा, क्या। विकी बोला, अरे वो अंगूठी तेरे दादाजी वाली जो तू अनन्या के लिए कब से संभाल के रखे हुए है, तुमने एक दूसरे को प्रपोज भी किया लेकिन फिर भी तूने अनन्या को अंगूठी नहीं दी अभी तक, मुझे लगता है इतना कुछ प्लान कर ही लिया है तो लगे हाथ उस अंगूठी का भी इस्तेमाल कर ही ले। ये सुनते ही ध्रुव की आंखें खुशी से चमक उठी और उसने कहा, सच में कभी कभी तू बहुत अच्छी बात कर लेता है।
एक तरफ जहां ध्रुव अनन्या के लिए सब कुछ प्लान कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनन्या अभी भी गुस्से में चिढ़ी हुई तारा के साथ हवेली की तरफ बढ़ती जा रही थी। और तारा मन ही मन अनन्या के गुस्से का मजा ले रही थी और अपने मन में कह रही थी, बस अनन्या बहुत जल्दी तुम्हें बहुत शानदार सरप्राइज मिलने वाला है, कर लो जितना गुस्सा करना है, उसके बाद तुम ध्रुव से नाराज नहीं रह पाओगी। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों हवेली के गेट पर खड़े थे। हवेली तक पहुंचने के बाद अनन्या नॉर्मल ही बोली, तारा तुम्हें नहीं लगता कि हमें अचानक यहाँ देखकर उन लोगों को अजीब लग सकता है? तारा ने कहा, अनन्या हम यहाँ किसी मकसद के थ्रू आए हैं, हमें उन्हें अच्छा या बुरा नहीं लगवाना है, तुम बस आओ मेरे साथ। याद रखना हमारा मकसद यहाँ तुम्हें लेकर आना है और तुम्हारा मकसद यहाँ आकर उन लोगों की नजर में आना है। ऐसा ना हो कि हम सज्जन सिंह के कमरे में चले जाएं और कोई हमें देखे ही नहीं, हमें सबकी नजरों में आते हुए अंदर जाना है। इतना कहते हुए दोनों जैसे ही अंदर घुसी, बाहर बगीचे में टहलती हुई चेरी जो अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी उसकी नजर तारा और अनन्या पर पड़ी। एक सेकंड के लिए तो चेरी जहां थी वहीं थम गई और फिर इन दोनों के नजदीक आकर बोली, हाय गाइस, तुम दोनों अचानक यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। तारा ने सपाट लहजे में कहा, मैं ठाकुर अंकल से मिलने आई हूँ, काफी टाइम हो गया है उनसे मिली नहीं, तो बस उनका हालचाल जानने के लिए आई हूँ। चेरी ने टोंट मारते हुए कहा, पहले भी ठाकुर अंकल के बहाने तो काफी कुछ कर चुकी हो, मेरा मतलब है ठाकुर अंकल के बहाने ही तो तुम यहाँ आती हो। तारा ने चेरी को घूरते हुए कहा, तुम्हें इससे कोई परेशानी? चेरी लापरवाही से बोली, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे क्या परेशानी होगी, तुम ठाकुर अंकल से मिलो, आंटी से मिलो, सुमेर से मिलो या किसी से भी मिलो, आई डोंट केयर, और लिटरली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन चीजों की केयर करूं। तुम तो अंकल से मिलने आई हो, लेकिन अनन्या किससे मिलने आई है, सुमेर से? अनन्या बोली, नहीं चेरी, मुझे सुमेर से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तारा के साथ आई हूँ। बात यह है कि यहाँ से लौटते हुए तारा को शाम हो जाएगी, तो ऐसे में अकेले बीच में रास्ते भी जंगली पड़ते हैं, तो बस इसलिए हम दोनों साथ में आए हैं। आई होप कि मेरे यहाँ आने से तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। चेरी ने उन दोनों को घूर कर देखा और बिना कोई जवाब दिए चली गई। तारा और अनन्या ने एक दूसरे को देखते हुए कहा, चलो कम से कम इसकी नजर में तो हम आए, अगर इसकी नजर में आ गए तो बाकी सबकी नजर में भी आ ही जाएंगे। इतना कहकर वो दोनों हंस पड़ी और सज्जन सिंह के कमरे की तरफ बढ़ गई। तारा ने दरवाजे पर से ही आवाज लगाई, नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? सज्जन सिंह ने जब तारा को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक उभर आई, लेकिन अगले ही पल अनन्या को देखकर वो कुछ घबरा गया। तारा ने उसकी नजरों को भांप लिया और बोली, परेशान मत होइए अंकल, ये वो नहीं है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये सुनकर सज्जन सिंह थोड़े से रिलैक्स हुए। तब तक तारा उनके पास गई और उनके हाथों को थपथपाते हुए बोली, ये क्या, आप तो बहुत कमजोर हो गए, ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पिछली बार देखा था उसके मुकाबले आप आधा भी नहीं रहे, लगता है सुमेर आजकल आपका ध्यान नहीं रखते। तारा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे से सुमेर की आवाज आई, भाई ये तो सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तारा, भला मैं अपने बाबा का ध्यान नहीं रखूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? ये सुनकर तारा और अनन्या ने पीछे पलट कर देखा तो दरवाजे पर सुमेर खड़ा था और जबरदस्ती का मुस्कुरा रहा था। तारा ने कहा, नहीं अब मेरा वो मतलब नहीं था, दरअसल अंकल बहुत वीक हो गए ना इसलिए। सुमेर ने कहा, हाँ दिनों दिन बाबा की जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वो कमजोर भी होते जा रहे हैं। एनीवे पता चला कि तुम आई हो, साथ में अनन्या भी आई है, तो मैं तुम दोनों से मिलने चला आया। ये सुनते ही तारा और अनन्या ने एक दूसरे की आंखों में देखा और हौले से मुस्कुरा पड़ी, जैसे एक दूसरे को कहना चाहती हो उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। चेरी ने उन दोनों के आने की बात सुमेर तक पहुंचा दी और रही बात सिर्फ सुमेर तक ही नहीं बाकी लोगों तक भी ये बात पहुंच गई होगी। सुमेर उन दोनों के नजदीक आया और बोला, मुझे तुम दोनों का कुछ समझ नहीं आया, ऐसा तो है नहीं कि तुम बाबा से मिलने आई हो, बात क्या है? तारा ने कहा, और क्या बात हो सकती है? सुमेर ने कहा, तारा वो वक्त बीत गया जब मैं तुम्हें भोली भाली और सीधी साधी समझता था, तुम वैसी हो ही नहीं बस दिखती हो, और ये तुम करती हो तो ये भोलेपन का उतारो और मुद्दे पर आओ, यहाँ क्या करने आई हो? ये सुनकर तारा ने उसके सामने अपने दोनों हाथों को बांधा और खड़ी हो गई। सुमेर की आंखों में देखती हुई बोली, जैसी मैं दिखती हूँ वैसी हूँ नहीं, वैसे ही आप भी जैसे दिखते हैं वैसे हैं नहीं। सुमेर ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? तारा ने कहा, आप भी जैसे बेवकूफ दिखते हैं वैसे हैं नहीं, आखिर आपको पता चल ही गया कि मैं सिर्फ अंकल से मिलने नहीं आई हूँ, जरूर किसी वजह से आई हूँ। सुमेर हंसता हुआ बोला, मानना पड़ेगा ध्रुव और उसके सभी साथियों की बहादुरी को, मतलब तुम लोग दुश्मनों के घर में घुसकर भी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हो। सच कहूं तो तुम लोग दुश्मन हो, लेकिन तुम लोगों की ये बातें ना मुझे हमेशा तुम लोगों का कायल बना देती है।
खासकर जब तुम ऐसी बात करती हो तारा, तो मुझे लगता है कि तुम उन लोगों के साथ क्या कर रही हो। तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था। तुम्हारे जैसी बहादुर लड़कियों को हमेशा जीतने वाली टीम में होना चाहिए, लेकिन ये मौका तो तुमने गंवा दिया। अब तुम पर विश्वास तो किया नहीं जा सकता। बताओ क्यों आई हो? तारा मुस्कुराती हुई बोली, बर्बादी देखने। सुमेर का लहजा अचानक से बदल गया और वो कड़े लफ्जों में बोला, औकात में रहकर बात करो, कहना क्या चाहती हो तुम? तारा ने कहा, औकात की बात तो आप ना ही करें तो ही बेहतर है। जिनकी खुद की कोई औकात नहीं है, जो हर किसी के पास जाकर हाथ पैर जोड़कर मदद की गुहार लगाता है, अपना साथ देने की बात करता है, एक एक करके जमा कर रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है कभी कामयाबी मिली भी या। इतना कहकर उसने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और मजाकिया लहजे में मुस्कुरा उठी। ये देखकर सुमेर जल भुन गया, फिर अपने आप को कंट्रोल करता हुआ बोला, कर लो अभी बातें कर लो, क्योंकि इसके अलावा तुम लोगों के पास कुछ और बस में है भी नहीं। मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लग रहा है, वैसे भी जो हारे हुए और भगोड़े होते हैं उनकी बातों का क्या बुरा मानना, क्योंकि वक्त बेशक बदल जाए उनकी नीयत नहीं बदलती। अब देखो ना, ध्रुव जो देवदत्त है वो पहले भी मारा गया, हारा हुआ है, और कोई ऐसा जो भगोड़ा है अपने ही साथियों को धोखा देकर भाग गया, उनसे क्या डरना। भगोड़े शब्द पर जोर डालकर सुमेर ने अनन्या को गौर से देखा। अनन्या उसकी बातों का मतलब बखूबी समझ रही थी, लेकिन उसने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो चाहती थी कि यहाँ बात और बढ़े और वो जिसके लिए यहाँ तक आई है किसी तरीके से अनन्या के सामने आए। ध्रुव के मुताबिक माई से सामना होने पर जरूर कुछ न कुछ पता चल सकता था, और अब अनन्या को इस बात पर यकीन भी हो गया था, क्योंकि सुमेर जरा सा तारा के उकसाने पर इतना उबल रहा था कि दिखावे के लिए भी ढंग से बात नहीं कर पा रहा था। तो जाहिर बात है, माई अनन्या के सामने आते ही अपने आपे से बाहर जरूर हो जाती।